नी रिप्लेसमेंट एंड नी री सर्फेसिंग इट्स वन एंड द सेम थिंग इट इज़ लाइक इन सम कंट्रीज दे कॉल फुटबॉल इन सम कंट्रीज दे कॉल इट सॉकर आर्थराइटिस में जिन पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है उनकी नीँ की सर्फेस खराब हो जाती है सो so, हम ऑनेस्टली नी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं नी की सर्फेस को चेंज कर रहे हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट में तीनों कंपार्टमेंट्स चेंज किए रिप्लेसमेंट आइसोलेटेड एक ही कंपार्टमेंट को चेंज किया जाता है कई लोगों का मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है okay. हम चलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं चल पाते फ्रस्ट्रेशन होता, होता है इरिटेशन होता है ओबीस पेशेंट्स में डेफिनेटली सर्जरी करने के रिस्क थोड़े ज्यादा है कम्पेयर टू एन एवरेज पर्सन ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट किया तो मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती like sitting on the floor. मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बैठ सकते हो तो बैठ आदत बना के रखी है तो बैठ Welcome to today's podcast episode. Where we shine spotlight on Save Your Knee campaign. Where we dive deep into the world of knee health and wellness. If you're struggling from arthritis or knee pain, and it's impacting your mobility and daily activities like walking and yoga, then this podcast is for you. Joining us today is Dr. Bakul Arora, a chief robotic knee replacement surgeon, pioneering work in golden knee replacement implants with 12 years of experience. He is associated with major hospitals in Mumbai, Thane. Like Jupiter Hospital Thane, Forties Hospital Mulun, Titan Med City Hospital Thane, and has his own consulting at Aurora Clinic Hiranandani Middos Thane. Hello, Dr. Aurora. Welcome to today's podcast, which is all about uh, Save Your Knee campaign. So, first, let's address the basic and understand the difference between a knee replacement and knee resurfacing surgery. Yeah, hi, Dr. Chetna. First of all, thank you for having me here. Knee replacement and knee resurfacing it's one and the same thing it is like uh, in some countries they call football in some countries they call it soccer but essentially the the game is the same okay knee replacement and knee resurfacing is the same thing but if we understand the terminology knee resurfacing is a more more appropriate term आर्थराइटिस में जिन पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है उनकी नी की सरफेस ख़राब हो जाती है सो so, हम ऑनेस्टली नी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं नी की सरफेस को चेंज कर रहे हैं सो रीसरफेसिंग इज़ अ बेटर टर्मिनोलॉजी एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब द सर्जरी सो नी रीसर्फेसिंग इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी बट आम भाषा में एंड यू नो नी रिप्लेसमेंट काफ़ी प्रचलित हो चुका है सो इट इज़ नी रिप्लेसमेंट इज़ मोर पॉपुलर बट द राइट वर्ड इज़ नी रीसरफेिंग रिप्लेसमेंट एंड नी रीफेसिंग सो नी जॉइंट इज नॉटेड रहा है सो देर आर नी ज्वाइंट इज सब डिडेड इन थ्री कम्पार्टमेंट यानी कि नी ज्वाइंट के अंदर ही तीन अलग अलग कम्पार्टमेंट्स होते हैं मीडियल लैटरल एंड पटेलोफेमोरल तो ये तीन कम्पार्टमेंट्स यूजली Uh, जब शुरुआती स्टेजेस में आर्थराइटिस या गठिया रोग होता है तो यूजुअली वो एक ही कंपार्टमेंट में सीमित होता है इट इज़ लिमिटेड इन वन कंपार्टमेंट ओनली इस स्टेज में पूरा घुटना चेंज करना या पूरे घुटने को रीसर्फ़ेस करना इज़ यूजुअली नॉट रेकमेंडेड बिकॉज वी कैन सेव दैट कंपार्टमेंट विच इज़ नॉर्मल ओके सो so, इस स्थिति में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ सर्जरी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अगेन हम उसको रिप्लेसमेंट कह रहे हैं बट एक्चुअली इट इज़ पार्शियल नी रिसरफेसिंग की जो कंपार्टमेंट डैमेज हो चुका है केवल उतना ही हम रीसरफेस कर रहे हैं एंड वी आर रिप्लेसिंग इट विद आर्टिफिशियल कॉम्पोनेंट्स ताकि नी ज्वाइंट का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए पेशेंट्स को चलने में एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाए उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाए इन शॉर्ट सो टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट ये दो टर्म्स है तो yeah. करेक्ट जी टोटल नी रिप्लेसमेंट में तीनों कम्पार्टमेंट्स चेंज किए जाते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आइसोलेटेड एक ही कंपार्टमेंट को चेंज किया जाता है सो so, जैसे मैंने मेंशन किया तीन अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं कोई भी कंपार्टमेंट को आइसोलेशन में चेंज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से कंपार्टमेंट में डिजीज है सो ये एग्जामिनेशन पे पता चलता है क्लियर एंड प्लस एक्सरेज पे भी पता चलता है कई बार सी टी स्कैन या एम आर आई भी करना पड़ता है जस्ट टू रूल आउट कि दूसरे कंपार्टमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है एंड सो दैट अगर पार्शल नी रिप्लेसमेंट करना है सो वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि द अदर कम्पार्टमेंट आर नॉर्मल एंड सेफ बिफोर वी एक्चुअली टेक देशेंट फॉर सर्जरी सो टॉक अबाउट इट मोर ऐसे कौन से कॉमन नी कंडीशन है जिसकी वजह से ये सर्जरी करनी पड़ती है पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्ट्रो आर्थराइटिस कहते हैं सो so, भगवदगीता में लिखा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर बदलता है हमारा शरीर नहीं पूरी सृष्टि बदलती है तो so, यानी कि कहने का तात्पर्य जब भी बच्चा बॉर्न होता है वो शरीर अलग है वही बच्चे का शरीर दस वर्ष में अलग है सो so, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जीवन के पहले बीस पच्चीस साल बॉडी स्ट्रेंदन होती है बॉडी की शक्ति बढ़ती है फिर एक समतल फेज आता है यानी कि ना आ, कोई डी हो रहा है ना ही कोई स्ट्रेंदनिंग हो रही है तो इट इज़ लाइक प्लेटो okay. तो फेज okay. फिर बाद में डी चेंजेस बढ़ जाते हैं जब ये डीजेनरेटिव चेंजेस बढ़ते हैं तो जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं बाल सफ़ेद होना रिंकल्स आना आँखों में कैट्रैक्ट होना वैसे ही गादी की थिकनेस धीरे धीरे कम होती है इसी को गठिया रोग या ऑस्ट्रोआर्थराइटिस कहते हैं एंड जब ये ऑस्टोआर्थराइटिस हमारी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू करती है जैसे चलने में दिक्कत होती है उठने बैठने में दिक्कत होती है एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो फिटनेस लेवल है वो कम होने लगता है एंड फिटनेस लेवल कम होने से बीपी बढ़ता है शुगर बढ़ता है फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट होती है बट फिज़िकल हेल्थ एक तरफ कई लोगों का मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द नी पेन बिकॉज ऑफ़ नी पेन हम चलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं चल पाते फ्रस्ट्रेशन होता है इरीटेशन होता है मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे ऐसे देखे हैं जिन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू कर रखी हैं सुसाइडल थाट्स आते हैं लगता है कि मैं फैमिली पे डिपेंडेंट हो गई हूँ बिकॉज दे आर एल्डरलीज दे वॉन्ट दी हेल्प वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है वॉशरूम में उठने बैठने में दिक्कत होती है सो so, ऐसी स्थिति में उनका दे आर मेंटली डिस्टर्ब दे आर मेंटली वेरी अफेक्टेड दे आर यू नो उनका जो मनोस्थिति है बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है सो so, ऐसे में नी रिप्लेसमेंट उनकी लाइफ स्टाइल करता है उनको इंडिपेंडेंस देता है उनकी Uh, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनको दे कैन डू इट नो अपनी सारी जिंदगी में लाइफ सारे काम अपने खुद से कर सकते हैं खुद से वॉशरूम जा सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ा सकते हैं करेक्ट नी रिप्लेसमेंट इज नॉट अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर बट इट इज अ अटाइल इंप्रूविंग प्रोसीजर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो जाती है दैट्स दैट्स ट्रू सो आई टू नो मोर अबाउट इज़ मिनिमल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है या बहुत कॉमनली हर हॉस्पिटल्स में प्रेफर किया जा रहा है सो एक्चुअली पब्लिक में और अधर यू नो इन जनरल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है uh, काफ़ी लोगों को यू uh, नो you know, uh, समझ नहीं आता कि रोबोटिक सर्जरी वेदर पूरा रोबोट करता है लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द बेसिक्स नी रिप्लेसमेंट करने के दो ब्रॉड टेक्निक्स हैं दो अप्रोचेस बोल सकते हैं इसको एक है कन्वेंशनल अप्रोच और दूसरा है एम आई एस अप्रोच एम आई एस का फुल फॉर्म है मिनी इन्वेजिव सर्जरी ओके सिंपल भाषा में इसका अर्थ है एम आई एस का अर्थ है की मास्पेशिया यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स को कट नहीं करते ना क्वाड्रिसेप्स मसल्स को कट करते हैं ना ही उसके टेंडन को कट करते हैं जो कन्वेंशनल सर्जरी uh, में, किया जाता, yes. Okay. Yes. So, में MIS, मतलब, किया जाता है यूजुअली ओके यस सो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट में मतलब क्वाड्रिसेप्स मसल या क्वाड्रिसेप्स टेंडन को कट किया जाता है सो क्वाड्रिसेप्स मसल या टेंडन को जब कट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड हैं मसल्स की पावर कम हो जाती है मसल्स बहुत पेन करते हैं आप थोड़ा जिम में जाके थोड़ा डम्बल्स उठाइए नेक्स्ट डे आपको मसल्स में स्लोरनेस फील होगी तो सोचो कि कट करने से कितना पेन हो सकता है मसल्स जब कट करके स्टिच करते हैं तो मसल्स में वीकनेस आ जाती है और वो वीकनेस से निकलने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है रिकवरी बहुत स्लो होती है मसल से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है कट करने से सो so, एम में ये सारी प्रॉब्लम्स बाईपास हो जाती हैं एम में मसल्स कट ही नहीं होते मसल्स को स्लाइड करते हैं इंटरेस्टिंग या सो जैसे अगर आपको खिड़की साफ़ करना है अपने पर्दे को साइड कर दिया खिड़की साफ़ किया वापस पर्दा खींच लिया तो वैसे मसल्स को स्लाइड किया नी रिप्लेस किया वापस मसल स्लाइड कर दिया सो दैट इज़ एम आई एस सो एम आई एस वर्क्स मेनली ऑन द मसल्स यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ ओके रोबोट वर्क्स ओनली ऑन द बोन्स राइट सो अगर बोन्स अभी एक बार आपने मसल्स को स्लाइड किया या कट किया बोन्स एक्सपोज हो जाती हैं अभी बोन्स को नया शेप देना है जैसे मैंने कहा था कि रीसरफेसिंग करना है उसकी सरफेस को चेंज करना है और न्यू सरफेस को फिट करना है जो नया शेप दे न्यू सर्फेस को फिट करना है या तो सर्जन खुद अपने हाथ से कट कर सकता है या रोबोट कट कर सकता है तो अगर सर्जन खुद अपने हाथ से कट करेगा तो उसको मैं कहता हूँ हैंडक्राफ्टेड कि सर्जन ने अपने हाथों से उसको कट किया या फिर रोबोट से कट करा सकते हैं सो रोबोट वर्क्स ओनली ऑन द बोन्स तो उससे बोन की जो कटिंग एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है एंड दैट कटिंग एक्यूरेसी ऑनेस्टली नो ह्यूमन कैन रेप्लीकेट मतलब बिकॉज उसमें आ, 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 अभी कई हाँ कई टेक्नोलॉजी अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुए ऐसे रोबोट्स आए हैं जो आ, उसमें सीटी स्कैन फीड करते हैं तो सीटी स्कैन का रीड करके वो बोन का साइज़ मेजर कर लेता है और ये बताता है कि ये बोन को कितना कट करना है कितने एंगल में कट करना है अगर घुटना तिरछा हो गया है टेढ़ा हो गया डिफॉर्मिटी है डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करनी है तो कितने डिग्री से कट करेंगे तो तो ये सारे एक्यूरेट कैलकुलेशंस वो हमें दिखाता है जिसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं रोबोटिक्स में एंड एक्यूरेटली नी जॉइंट को रीसरफेस करते हैं ताकि डिफॉर्मिटी भी करेक्ट हो जाए और पेशेंट्स का पेन भी खत्म हो जाए रिकवरी भी फास्ट हो सो so, रोबोटिक वैसे हेल्प करता है ओके okay. जो हैंडक्राफ्टेड में ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है बट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे सर्जन का एक्सपीरियंस काउंट करता है कि सर्जन को कितना एक्सपीरियंस है अगर या मतलब सो so, रोबोटिक्स जो है दैट यू नो वन ह्यूमन एरर का जो कॉम्पोनेंट है सर्जरी में उसको बाईपास कर देता है सो रोबोटिक इज़ मोर एक्यूरेट प्लस रोबोटिक इज़ कस्टमाइजेबल मतलब जैसे अगर आप कोई ड्रेस ख़रीदने जाते हैं आप रेडीमेड ड्रेस खरीदेंगे तो आपको शायद साइजिंग परफेक्ट नहीं मिले अंडरस्टूड या yeah. लेकिन आप टेलर से स्टिच कराएंगे तो यू विल गेट दैट परफेक्ट फिट वैसे ही रोबोट जो है आपके सीटी स्कैन पे बेसिस पे आपका बोन का साइज मेजर करता है और उससे आपको परफेक्ट कट्स देता है तो उसमें इम्प्लान का फिट परफेक्ट मिलता है जिससे इम्प्लान्ट की लाइफ भी मैक्सिमम मिलती है और रिकवरी भी फास्ट होती है

को एक्चुअल uh, जब सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जन हैज़ टू फीड सारे पॉइंट्स को फ़ीड करना पड़ता है तो ही जाके रोबोट जो है वो कैलकुलेशंस बताता है तो यहाँ पे एक्यूरेसी फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स में एक्यूरेसी फिर भी थोड़ी सी uh, कम रहती है सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आर इमेज बेस्ड रोबोट सो सेकेंड जनरेशन भी इमेज बेस्ड रोबोट है लेकिन इट इज़ अ सेमी ऑटोमेटिक यानी कि उसमें सर्जन को रोबोट का हाथ पकड़ के बोन पे टच करना पड़ता है तो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है ओके okay. एंड अभी थर्ड जनरेशन रोबोट्स जो हैं दैट इज़ इमेज बेस्ड यानी कि उसमें सीटी स्कैन अपलोड करते हैं प्लस एट द सेम टाइम इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक यानी कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे कम है ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने का बेनिफिट है कि इन्फेक्शन सर्जिकल इन्फेक्शन और इंस्ट्रूमेंट्स जो नी के अंदर जा रहे हैं बहुत ही लिमिटेड हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क कम होना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम होना वो बेनिफिट्स मिलते हैं तो यूजुअली यू नो पीपल हैव दिस फियर कि रोबोट्स आर डूइंग द सर्जरी कुछ गड़बड़ हो गया तो सो हाउ डू यू डील विद सच फियर एंड कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट्स अंडरगोइंग रोबोटिक सर्जरी सो रोबोट इज नॉट डूइंग द एंटायर सर्जरी रोबोट इज जस्ट यू नो डूइंग द बोनी कट्स यानी कि खाली जो बोन पे जो रीसरफेसिंग का पार्ट है वहीं सो so, uh, जैसे वन आई ऑपरेट तो मैं स्किन uh, को हम कट करते हैं मसल्स को स्लाइड करते हैं रोबोट को कनेक्ट करके बोन कट्स करा लेते हैं फिर एक बार बोन कट्स हो गए तो रोबोट इज नाउ उसका काम हो गया सो वी तो इट इज़ लाइक अ हाइब्रिड मॉडल इट इज़ नॉट लाइट कि रोबोट इज डूइंग द एंटायर सर्जरी इट इज़ अ मोर लाइक अ हाइब्रिड मॉडल जिसमें से जो बोनी कट्स हैं दैट इज़ परफॉर्म बाई द रोबोट बट ऑल अदर पार्ट्स आर डन बाई दर्जन हिमसेल्फके सो so, इसमें इसमें सर्जन uh, के पास हमेशा कंट्रोल रहता है सो रोबोट इनकेस जैसे अभी फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसका जो एक रिमोट कंट्रोल है हमेशा सर्जन के हाथ में मेरे हाथ में रहता है कि इन केस द रोबोट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर द डिज़ायर्ड प्लान तो हम इमीजिएटली उसको पॉज कर सकते हैं वी कैन रीबूट द सिस्टम एंड चेक कि कहीं पर कुछ पाथवे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं एंड उसका करेक्शन अगर जरूरी है तो करेक्शन करके वी कैन रीस्टार्ट द रोबोट सो दैट कंट्रोल इज़ ऑलवेज़ इन हैंड डेफिनेटली सो इससे सर्जरी सेफ हो जाती है। मतलब सर्जरी ओवर नी सर्जरी राइट सो कन्वेंशनल सर्जरी में जैसा मैंने किया था मसल्स कट होते हैं तो मसल्स कट करने की वजह से रिकवरी काफ़ी स्लो होती है ब्लीडिंग ज़्यादा होता है एम आई एस टेक्नोलॉजी से अभी कई uh, कई मसल्स कट करके भी रोबोटिक्स कर सकते हैं मसल्स कट करके भी हैंड कर सकते हैं सो इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल कि एम आई एस सर्जरी हम करें ताकि एम आई एस में मसल्स

तो रोबोट को कनेक्ट करके हम बोनी कट्स रोबोट से करवाते हैं यस सो इवन द रोबोट्स कैन डू एम आई एस नोट नो नो रोबोट्स आर ओनली फॉर द बोनी कट्स सो रोबोट्स आर डिज़ाइंड ओनली फॉर डूइंग द बोनी कट्स ताकि बोन के कट्स एक्यूरेट मिले जिससे सर्जरी के जो प्रिसिशन है इम्प्लांट का जो फिट है वो बेस्ट मिलेगा एंड जितना बेस्ट फिट मिलेगा उतना रिकवरी फास्ट होगी और इम्प्लांट की लॉन्जिविटी मैक्सिमम मिलेगी की लाइफ मैक्सिमम मिलेगी ओके। सो जिन कई बार हम सर्जरी कई, कई मरीजों ने सर्जरी करा ली है लेकिन उन्होंने देखा कि फोर फाइव ईयर्स में या टेन ईयर्स के अंदर ही वो इम्प्लांट्स लूज हो गए yeah, जल्दी खत्म हो गई दैट इज बिकॉज प्रोबेबली कट्स वर नॉट राइट सो दैट इज वाई रोबोटिक्स जो है वो कट्स को एक्यूरेट देता है जिससे इम्प्लांट की लाइफ जो है वो मैक्सिमम मिलती है सो ऑल्सो वी हैव आई हैव सीन पर्टिकुलरली दैट मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैविंग नी पेन आर ओबीस सो इन सच केस डज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हेल्प्स टू एलिवेट द पेन नी रिप्लेसमेंट से डेफिनेटली पेशेंट का पेन ख़त्म हो जाएगा बी इट ओबीस और नॉन ओबीस लेकिन ओबीस पेशेंट्स में डेफ़िनेटली सर्जरी करने के रिस्क थोड़े ज़्यादा हैं कम्पेयर टू एन एवरेज पर्सन लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है सर्जरी से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ओबीस पेशेंट्स का सर्जरी करने में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और यह रिस्क फैक्टर्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें कि नी रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी इज़ लाइक क्रॉसिंग अ रोड हमें अगर रोड क्रॉस करना है तो हम पहले राइट right देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे Correct. फिर क्रॉस करेंगे अगर कोई व्हीकल नहीं आ रही है तो ही क्रॉस करेंगे अंडरस्टूड लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन चांसेस एकदम कम हो जाते हैं यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस वैसे ही अगर हम प्रॉपर इवेल्यूशन करें ओबीस पेशेंट्स में मैक्सिमम यू नो तकलीफ होती है इन्फेक्शन की दूसरा है कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज भी साथ में ओबेसिटी विद डायबिटीज़ या थायराइड मेडिकल कंडीशंस अगर प्रॉपरली इवेलुएट नहीं हुए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है कार्डियो या हो कुछ भी सो तो ये सारे कॉम्प्लिक ये सारे इवेल्युएशन अगर हमारे प्रॉपर हैं और अगर पेशेंट मेडिकली फिट है तो देन सर्जरी का रिस्क वैसे ही कम हो जाता है मैंने देवियस्ट या द तो सबसे ओबीस पेशेंट जिनका सर्जरी मैंने किया उनकी उनका वेट लगभग 135 केजी था और बिफोर मीटिंग uh, में ये पेशेंट हर जगह या कई कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करी थी एंड हर जगह उनको यही uh, uh, पता चला था कि पहले आप वेट कम करके और फिर हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे राइट right. कई बार तो उनको ये भी बोला गया था कि पहले आप बेरियाट्रिक सर्जरी करा लो ऐसा नहीं है कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन डेफिनेटली इट इज़ गुड ऑप्शन इन इन सुपर ओबीस पेशेंट्स बट उनको नी आर्थराइटिस भी है एंड नी प्रॉब्लम भी है सो so, यहीं काउंसलिंग का काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है कि पेशेंट्स को मैंने मैंने इन इन पेशेंट को यही काउंसिल किया कि देखिए बेरियाटिक सर्जरी करके उनका वेट लॉस होगा लेकिन उससे आर्थराइटिस कम नहीं होगा बट चांसेस हैं कि नी पेन कम हो जाए क्योंकि वेट कम हुआ तो नी पेन एटलीस्ट फाइव टू टेन ईयर्स तक कम हो जाएगा हो सकता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट आज न लगे दस साल या पंद्रह साल बाद लगेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन ये है कि आप आज नी रिप्लेसमेंट कर लो इससे आपकी वॉकिंग इंप्रूव होगी आपकी एक्सरसाइज इम्प्रूव होगी आप एक डाइटेशन को सलाह करके आप प्रॉपर डाइट फॉलो करिए इससे आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपका नी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा ओके शी चोज द सेकेंड ऑप्शन शी टुक दैट लीप ऑफ फेथ एंड विद इन ट्वेल्व मंथ्स शी लॉस्ट ऑलमोस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव केजीज सो इट वॉज लाइक लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट फॉर हर सो एज ऐसा कि नी रिप्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव है लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना स्पेशली ओबीस या सुपर ओबीस पेशेंट्स में जिनका बी एम आई थर्टी फाइव प्लस है इनको काउंसलिंग की जरूरत है मेडिकल इवेल्युएशन की बहुत जरूरत है एंड इफ दे आर मेडिकली फिट एंड वी आर टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन देन सर्जरी कैन स्टिल भी डन वेरी सेफली सो द पोस्ट सर्जरी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं जी आदर एनी डिफरेंट फॉर अ कन्वेंशनल सर्जरी और एन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं सो so एक्चुअली जो प्रिकॉशंस हैं मेरे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ऑपरेशन से पहले ही मैं शुरू कर देता हूँ मेन जो रिस्क फैक्टर रहता है इन्फेक्शन का Uh, वो अवॉइड करने के लिए हम ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट्स को सजेस्ट uh, करते हैं कि देर इज़ अ स्पेशल सोप सल्यूशन उसी से नहाओ देर इज़ अ स्पेशल एंटीबायोटिक क्रीम जो नाक में लगाओ एंड okay. सो so जिससे सारे जो बॉडी जो है वो डिसइनफेक्ट हो जाए मेडिकल इवेल्यूशन इज़ द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन का कोई सुपर एडेड रिस्क है जैसे uh, किसी को अगर पहले से यूटी यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन है या अनकट्रोल डायबिटीज़ है सो so, उसका इवेल्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑपरेशन के पहले ही हम कर लेते हैं ताकि जब भी हमने सर्जरी का डिसीजन लिया सभी सर्जरी की तभी सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं जिससे हमारी सर्जरी सेफ हो जाती है एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद येस फ्यू डेज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं एंड प्लस वी आज देम टू स्टे इन वेरी हाइजीनिक एनवायरनमेंट हम पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ फॉर फर्स्ट थ्री वीक्स जब तक आपके घाव सूख नहीं जाते टाके निकल नहीं जाते okay. सो डोंट अवॉइड पब्लिक प्लेसेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड जो uh, जैसे घर का भी वो इन्वायरमेंट uh, है काफ़ी हाइजीनिक रखो सो उससे इन्फेक्शन पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है अगर जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटी शुगर्स पे भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो एंड ऐसे में मल्टी फिजिशियन uh, uh, या मल्टी टीम वर्क है ना मल्टीपल कंसल्टेंट्स का जो हेल्प मिलता है फिजिशियन हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं तो उनका भी हेल्प लेके मेडिकल कंडीशंस को भी कंट्रोल uh, रखना जरूरी है ताकि उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स को ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए करेक्ट वॉकिंग करिए स्टेयर क्लाइंबिंग करिए जिससे मसल्स की ताकत बढ़े डाइट अपना अच्छा रखिए जिसमें प्रोटीन्स रिच हों जिसमें मसल मास कम ना हो क्योंकि सर्जरी के बाद मसल मास कम हो सकता है तो प्रोटीन रिच डाइट लो एक्सरसाइजेस करो इससे आपका स्ट्रेंदनिंग होती रहेगी बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी वीकनेस नहीं आएगी सो दैट विल हेल्प यू नो टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ओके एनी स्पेसिफिक मेजर्स दैट अ पेशेंट शुड फॉलो सो दैट उनकी रिकवरी टाइम कम हो और नी रिप्लेसमेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए नंबर वन थिंग इज पेशेंट्स को मैं अधिकतर पेशेंट की खुश रहो हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा uh, नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट किया तो मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि बैठ सकते हो तो बैठो आदत बना के रखी है तो बैठो सो so, जो कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने नीर नीचे बैठना बंद कर दिया है आदत छूट गई है सो so, uh, उनको फिर से आदत बनानी पड़ेगी एंड आदत बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ जो डेली कर देंगे तो नीचे बैठ सकते हैं लेकिन दिस इज़ अ मिथ पहले कहते थे कि Uh, नीचे बैठने से या पालथी मारने हुँ. से मांडी डालने से इम्प्लांट uh, की लाइफ कम हो जाती Correct. है दिस इज मिथ बिकॉज दिज इम्प्लांट्स अभी हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स आए हैं यू नो विच आर डिजाइंड फॉर क्रॉस नी बेंडिंग सिटिंग ऑन द फ्लोर ये अलाउ करते हैं एंड दीज इम्प्लांट्स आर अलाउिंग तो उनकी लाइफ कम नहीं होती उनकी लाइफ जो है रादर इट अलाउज मतलब ये सारी एक्टिविटीज में उनकी लॉन्जेविटी अफेक्ट नहीं होती सो दीज आर दी न्यूअर इम्प्लांट्स इन गोल्ड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ब्रॉडली दो टाइप के इम्प्लाट्स अवेलेबल हैं

ओके सो इन शॉर्ट इट इज़ अ टाइटेनियम बेस्ड कोटिंग जिसकी वजह से वो गोल्डन फिनिश मिलता है द बेनिफिट ऑफ टाइटेनियम इसके दो बेनिफिट्स हैं नंबर वन की एलर्जी प्रूफ अभी कई मरीज़ हैं कई पेशेंट्स हैं जिनको मेटल से एलर्जी है नी रिप्लेसमेंट के बाद एलर्जिक रिएक्शंस होने का उनको डर लगता है एंड रिएक्शंस uh, होते भी हैं जिसकी वजह से इम्प्लान्ट की लाइफ कम हो सकती है आयन पार्टिकल्स निकल सकते हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है सो so, जिनको एलर्जी है मेटल से उन लोगों में ये गोल्डन इम्प्लांट आर मोर सेफर बिकॉज टाइटेनियम इज़ एन इनर्ट वो बॉडी के अंदर रिएक्शन नहीं करता तो टाइटेनियम इज़ एन इनर्ट मटीरियल एंड इट इज़ मोर बायोलॉजिकल दूसरा बेनिफिट है कि टाइटेनियम इम्प्लान्ट से उनकी जो इम्प्लांट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है सो कम्पेयर टू कोबाल्ट क्रोमियम टाइटेनियम इज़ मोर स्मूथर तो उसका फ्रिक्शन कम है तो फ्रिक्शन कम होने के कारण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने के कारण उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती okay. है सो या सो समटाइम्साइम्स हमने देख uh, that, uh, ये है कि द लॉन्जिटी इम्प्लान की जो लाइफ है मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स फोर्टी ईयर्स तक भी

या यंग पेशेंट्स हैं सो so, जिनकी उम्र 60 से कम है आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप गोल्ड इम्प्लांट चूज करिए जिनको एलर्जी है उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गोल्ड चूज करिए 60 एंड अबाउ इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस ओके, बिकॉज इम्प्लांट की जो लॉन्जिविटी है वो साइकिल्स में गिनी जाती है सो दिस इज़ लाइक जैसे नी का एक बार सीधा करके बेंड करना इज़ वन साइकिल सो so रफली uh, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे साइकिल्स कम होंगे ओके okay. सो so नी पे लोडिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली इम्प्लान्ट की लाइफ भी बढ़ेगी सो सिक्सटी एंड अब वेदर यू डू सिल्वर और गोल्ड लॉन्जेविटी वाइज इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस यंग पेशेंट्स में बिकॉज इनिशियली उनकी साइकिल ज़्यादा हो सकती है तो यंगेस्ट पेशेंट जिनका सर्जरी मैंने किया हर एज वॉज थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड एट द एज ऑफ थर्टी थ्री डेफिनेटली आई चोज गोल्ड इम्प्लान बिकॉज शी इनिशियली उनका डिमांड ज़्यादा रहेगा उनकी साइकिल ज़्यादा रहेगी उनके नी का मूवमेंट ज्यादा रहेगा सो वी वॉन्ट द मैक्सिमम लाइफ सो इसीलिए यंग पेशेंट्स में वी प्रिफर गोल्ड एंड जिन लोगों को मेटल एलर्जी है उन लोगों में वी प्रीफर गोल्ड इम्प्लांट्स। सो एनी एथलीट और एनी स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव सीन जिसनेज़ अंडर गॉन अ सर्जरी एंड देन आफ्टर सर्जरी हैज़ रेज्यूम्ड

दिस इज़ रोमोटोड आर्थराइटिस जो है एक एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही जोड़ों को खराब कर देता है सो so, इस स्थिति में एट अ वेरी यंग एज ऑफ थर्टी थ्री हर बोथ नीज उनके दोनों घुटनों में okay. पूरे डैमेजेस थे एंड टू ऐड टू हर ट्रबल शी हैड अ फाइव मंथ ओल्ड बेबी व्हेन शी केम टू मी सी मी फर्स्ट एंड वो शी कुड नॉट इवन यू नो वॉक टू द वॉशरूम शी वाज बाउंड ऑन व्हीलचेयर चेयर तो जब पहली बार देखा तो वो मेरे केबिन में व्हील पे आई थी

मेंटल हेल्थ कि वी हैव टू फोकस ऑन बीग यू नो स्टेइंग पॉजिटिव और स्टेइंग मेंटली स्ट्रोंग सबसे सिंपल तरीका है गीता पढ़ो यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे और इवन यू नो देर आर लॉट ऑफ मेडिटेशन लॉट ऑफ एफरमेशन सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और एनी ट्रबल्स देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऐसा बिलीव करना बहुत जरूरी है दैट इज दैट विल हेल्प इन सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक बार मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई देन हम फिजिकल हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं करेक्ट सो माइंड एंड बॉडी आर ऑलवेज कनेक्ट कनेक्टेड एंड इफ माइंड इज फीलिंग अनहेल्दी इफ यू वर्क ऑन योर बॉडी इट विल इम्प्रूव योर माइंड एंड इफ योर बॉडी इज फीलिंग अनहेल्दी यू वर्क ऑन योर माइंड माइंड विल इम्प्रूव योर बॉडी सो यानी कि अगर कोई डिजीज है अगर अपने अग मेंटली स्ट्रांग हो गए तो मेंटली स्ट्रांग यू विल गेट दैट पावर्स टू यू नो विल अट्रैक्ट दैट हीलिंग पावर्स इससे आप अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हो सो बी मेंटली स्ट्रांग दैट इज माई नंबर वन मैसेज सेकेंड थिंग अपने अपनी फ़िटनेस को सबसे प्राय सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दो कि वर्क ऑन योर बॉडी योर फिटनेस कि अगर आपने अपनी बॉडी को फिट रखा तो आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो आप अपनी सोसाइटी का ख्याल रख सकते हो आपने अपने देश का और अपनी इन इन जनरल आपने अपनी ह्यूमैनिटी का ख्याल रख सकते हो सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विथ मी इट ऑल स्टार्ट्स विथ करेक्ट सो अगर आप अपनी फिटनेस पे काम करोगे आप दुनिया में यू कैन मेक बिग चेंजेस सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है उनका सबसे एक कॉमन चीज़ है कि दे वर्क ऑन देम सेल्व दे वर्क ऑन देअर फिटनेस एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी देन दे कैन हेल्प अदर्स मोर इफेक्टिवली सो वर्क ऑन योर फिटनेस दैट इज माई सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकेट इज योर सेव योर सो सेवर नी कैंपेन इज देट की यही है कि हम ट्राई करते हैं कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन कि यू नो नोन वन देर इज़ आर्थराइटिस यू नो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड आर्थराइटिस क्यों इतना बढ़ जाता है कि लाइफ स्टाइल अफेक्ट करने लगता है बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल ही प्रॉब्लम में आ गई है यानी कि लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है एक्जैक्टली एंड लाइफ स्टाइल के इन जनरल तीन पिलर्स होते हैं देर इज डाइट एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कि हम सो so अपनी डाइट कैसी है अगर हमने अपनी डाइट को अगर कंट्रोल किया तो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने में हेल्प होगी अपन ने अगर अपने एक्सरसाइज रेजीम को कंट्रोल कर लिया तो हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होगी और अगर हमने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल किया तो हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉट जस्ट मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो फिजिकल स्ट्रेस सो अगर हम फिज़िकली स्ट्रेस्ड हैं या फिर मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी एजिंग को बढ़ाते हैं एंड इन जनरल नी जॉइंट को भी

लाइफ स्टाइल इज़ टेकिंग बिग टोल बिकॉज प्रीवियस जनरेशन दे वर मोर फिजिकली एक्टिव दे हैड बेटर डाइट दे हैड बेटर इन्वायरमेंट टू लिव इन दे हैड बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड धीरे धीरे जैसे हमारी जनरेशंस आगे बढ़ रही हैं तो ऑल द थ्री पिलर्स आर बींग शेकन जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बढ़ रही है इसीलिए आर्थराइटिस काफ़ी जल्दी देखने को मिल रहा है इन लेट फिफ्टीज़ मिड फिफ्टीज़ एंड लेट फिफ्टीज़ में नो कई पेशेंट्स हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है सो दैट इज इंग अभी कई बारह तेरह पंद्रह साल के बच्चे भी हैं उनको सफ़ेद बाल निकल रहे हैं दे आर गेटिंग वाइट करेक्ट ट्वेंटीज एंड थर्टीज़ में लोगों को हार्ट uh, अटैक्स आ रहे हैं एनजियोप्लास्टी हो रही है सो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हमारी लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है सो सेव द नी कैंपेन इन जनरल एक्चुअली इट इज इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल कैंपेन ऐसे पेशेंट्स होते हैं हु आर हैविंग आर्थराइटिस ऑफ बोथ द नीज जैसे ऑस्ट्रोसिस हो गया या ऑस्ट्रोथ्राइटिस hmm. हो गया तो इन पेशेंट्स में बोथ द नीज़ आर डैमेज इक्वली सो इन सच केसेस इन अ सिंगल सर्जरी बोथ द नीज कैन बी ऑपरेटेड और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स फॉर द सेम यहाँ पे ना पेशेंट्स का uh, फिजिकल हेल्थ एंड uh, आ, 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 उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसका इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है uh, कई सीनारी हमने देखे हैं uh, मोस्ट कॉमन सिनेरियो ये देखा है कि पेशेंट्स को दोनों पे दोनों पैरों में दोनों नीज में इक्वल प्रॉब्लम है एंड मेडिकली फिट हैं सो इन दिस इन दिस सिचुएशन हम दोनों पैरों की सर्जरी एक ही दिन में एट सिंगल सिटिंग सिंगल एनस्थीजिया हम कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखें जिनकी मेडिकल कंडीशंस थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम है जैसे थोड़े से बीपी uh, थोड़ा ज़्यादा है या फिर हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है सो ऐसी सिचुएशन में आई प्रिफर टू नो कि एक दिन या दो दिन का गैप देके करें जिससे सर्जरी थोड़ी सेफ हो जाती है uh, तो दोनों पैरों का सर्जरी साथ में होगा उसका बेनिफिट ये है कि दोनों पैरों की रिकवरी साथ में होगी क्योंकि जैसे अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा है तो एक पैर ठीक होगा दूसरे पे ओवरलोडिंग होगी सो so, इसीलिए और एक डिफॉर्मिटी है तो एक पैर सीधा हो जाएगा दूसरा डिफॉर्म रहेगा तो लेंथ में भी फ़र्क पड़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में बेटर रहता है कि दोनों पैर साथ में ऑपरेट करें ताकि दोनों का रिकवरी इक्वल चले एंड टुगेदर okay. चले लेकिन सिचुएशंस ऐसी भी देखी हैं कि पेशेंट्स मेडिकली फिट नहीं हैं सो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन हम गैप देते हैं सो so, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो एक दिन दो दिन के गैप भी काफ़ी रहता है लेकिन अगर कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है तो फिर हमें दोनों सर्जरीज़ के बीच में गैप बढ़ाना पड़ता है ओके okay. वहाँ पे फिर मल्टीपल टीम मेंबर्स जैसे फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करके उनका भी एक ओपिनियन लेना ज़रूरी रहता है सो so, uh, एक साथ करना है या नहीं करना है ये ज़्यादातर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं फॉर द पेशेंट यस सो फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि एस, uh, कि अगर दोनों पैरों में इक्वल पेन है तो इट इज़ बेटर टू डू टुगेदर अगर एक में ज़्यादा है और दूसरे में 50% से कम पेन है तो फिर जिसमें ज़्यादा पेन है वो करेंगे जिसमें कम पेन है वो ओवरलोड पेन है सो so, वो पेन और कम हो जाएगा जैसे इफ वी फॉर एग्जांपल राइट राइट साइड में मैक्सिमम पेन है लेफ्ट साइड में एक फिफ्टी परसेंट से कम है तो राइट right साइड एक बार सर्जरी हो गई तो ठीक हो गया लेफ्ट साइड का जो फिफ्टी परसेंट पेन था वो कम हो सकता है मतलब काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा बिकॉज okay. उस पर ओवरलोड कम हो जाएगा सो so, उसका पेन जो है ऑटोमेटिकली बिना सर्जरी के ठीक okay, हो जाएगा। okay. कई बार फिजियोथेरेपी या फिर कुछ लोकल भी के अंदर जेल इंजेक्शन देते हैं पी आर पी इंजेक्शन देते हैं उससे भी आ, काफी रिलीफ मिल जाता है जिस पैर में सर्जरी नहीं की है सो so, अगर उनको एक पैर में ही दर्द है दूसरे पैर में फिफ्टी परसेंट से भी कम है मतलब ना तो देन इट इज बेटर टू डू ओनली वन साइड सो प्लीज लाइट ऑन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नी रिप्लेसमेंट

अगर पेशेंट्स मेडिकली फ़िट नहीं हैं लेकिन अगर मेडिकली फ़िट किए जा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका शुगर बहुत हाई है तो शुगर कंट्रोल करके किए जा सकते हैं मेडिकली फ़िट करके कर सकते हैं सो so अगर प्रॉपर इवेलुएशन अगर हुआ है तो नी रिप्लेसमेंट एकदम सेफली किया जा सकता है नी रिप्लेसमेंट एल्डरली पेशेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है सो एल्डरली पेशेंट्स में ही नी रिप्लेसमेंट करते हैं बिकॉज नी रिप्लेसमेंट बहुत ही रेयरली हम देखते हैं कि यंग पेशेंट्स में हो रहा है बहुत ही रेयर यानी कि इस मैक्सिमम एल्डरलीज में ही नीर खराब होते हैं उसकी कार्टिलेज खराब होती है क्योंकि वो वेर एंड टेर के कारण एज के साथ ही प्रॉब्लम होती है तो नी रिप्लेसमेंट इज़ अ डिज़ाइंड फॉर एल्डरली पेशेंट्स हैंस इट इज़ वेरी सेफ लेकिन जो कॉम्प्लीकेशन अधिकतर होते हैं वो इम प्रॉपर इवेलुएशन की वजह से एंड प्रॉपर मैनेजमेंट यू नो कॉम्प्लीकेशन की अगर इवेलुएशन नहीं हुआ है तो उसका मैनेजमेंट भी अफेक्ट होता है तो इसलिए प्रॉपर इवेल्युएशन मेडिकल कंडीशन का एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है एंड एक बार मेडिकल कंडीशन अगर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड हैं पेशेंट मेडिकली फिट है नी रिप्लेसमेंट एकदम सेफ है सो इट इज डेफिनेट दैट नी रिप्लेसमेंट इम्प्रूवस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ये सो नी रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द सर्जरी जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी टेन टाइम्स बेटर हो जाती है सो so okay. जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जो वॉकिंग नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ खेलने खेलने जाना, जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए या सो so, दी एल्डेस्ट पेशेंट जिनका सर्जरी मैंने किया है हर एज वॉज़ वन जीरो टू यानी कि एक सौ दो एज में आई हैव डन अ नी रिप्लेसमेंट दिस वॉज प्री कोविड ये पेशेंट से जब मैं मिला पहली बार तो शी इज मेडिकली वेरी फिट वेरी एक्टिव शी हैज़ ओनली वन कंप्लेन कि घुटने दुखते हैं सामने मेरी पर पोती ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड गार्डन में जाती है शी के नॉट गो टू अ कंपनी बिकॉज घुटने दर्द होते हैं

मैं कभी भी किसी पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता आई सजेस्ट देम टू इन्जॉय देयर लाइफ स्टाइल आई मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आप डेली वॉकिंग करिए एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड अगर आप इससे बेटर uh, कुछ अचीव करना चाहते हैं अभी कई पेशेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मैराथन पार्टिसिपेट किया है आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट जो पूना मैराथन में फर्स्ट आए थे इन द सीनियर सिटीजन ग्रुप आई हैव अनदर पेशेंट हु पार्टिसिपेटेड सैन फ्रांसिस्को में मैराथन में पार्टिसिप स्टूड फोर्टींथ ओवरऑल सो ऑनेस्टली नी रिप्लेसमेंट के बाद लिमिटेशन कोई नहीं है ओके ओनली माइंड इज द लिमिटेशन की जो अगर जो हमारे माइंड में लिमिटेशन हैं वही लिमिटेशन हैं बट ऑनेस्टली आई हैव वन पायलेट आई हैव वन पेशेंट हु पायलट वन ईयर आफ्टर सर्जरी ही कॉल्डमियन आज नहीं कि डॉक्टर आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड कैन आई डू स्काई डाइविंग आई लाइक डेफिनेटली यू कैन डू एंड ही डेड ही डिड सो देर इज़ मतलब uh, आप आप लॉन्ग uh, वॉक्स पे जाओ यूरोप टूर पर जाओ कई पेशेंट्स गए हैं uh, बीच पे दे गो फॉर डीप सी डाइविंग स्कूबा डाइविंग ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद हम अगर करना चाहते हैं ये yes, समाइम्स अगर हैबिट छूट गई है जैसे नीचे बैठने की या डीप स्क्वाट्स करने की हैबिट अगर छूट गई है बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आर्थराइटिस की वजह से स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट के बाद इमीजिएटली दैट मसल्स आर स्टिल स्टिफ सो ये एक्सरसाइजेस करते एंड प्रैक्टिस करने से uh, हम रीअचीव कर सकते हैं सो अगे सो ऐसी अगर कोई एक्टिविटीज़ जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं आई विल गाइड देम और माई फिजियोज़ हमें हमारे फिजियोज़ गाइड करते हैं कि सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर और विथ योर फिजियो कि ये आपका गोल है आपको ये अचीव करना है तो उसका क्या पाथवे होना चाहिए कैसे अचीव करना है सो यू कैन डिस्कस एंड यू नो दे विल हेल्प यू टू अचीव एवरी स्मॉल स्मॉल माइल स्टोन एंड छोटे छोटे माइल स्टोन आप अचीव करते जाएंगे इन लॉन्ग रन आपको लगेगा कि आपने बहुत यू you नो know,

Uh, हम कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते एंड द मेन की रीजन इज बिकॉज मेरे को लगता है कि मसल्स नहीं कट हुए हैं क्योंकि मसल्स कट करने से वीकनेस आ जाती है एंड uh, वो वीकनेस कैन रिकर एज द टाइम गोज बैक सो दैट्स वाई एम आई एस टेक्नोलॉजी इज मच बेटर यू नो इन द लॉन्ग रन ऑल्सो कैन गेट बैक विदाउट मच डिफिकल्टी सो फास्ट ट्रैक हो जाता है थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग आर पेशेंट And this was very, very insightful. Thank you. Thank you, Chetna. Thank you for having Thank me. Thank you.